अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों मैं हूं मोहम्मद रमज़ान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल कबाड़ी एक्सप्रेस। दोस्तों आज जो वीडियो लेके आया हूं ये रेगुलेटर, ये बड़े बड़े बंडल आए थे एसी के, उन्होंने यानी कि सब मिक्स माल किया हुआ था। पहले ये बंडल खुलाई किया है, खुलाई करके उसके अंदर से माल निकला, मोटरें निकली हैं एसी की, फिर उसके बाद ये निकलाए हैं रेगुलेटर निकले हैं। इनका बड़ा बड़ा ताम उतार लिया जाता है, कुछ माल यानी कि कुछ ये माल होता है रेगुलेटर का, ये ज़्यादातर एसीयों में निकलता है और कारों में लगा होता है, यानी कि हवा को ठंडे करने वास्ते होता है। इसके माल के कंटेनर आए हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर अक्सर गोदामों में खुलाई माल नहीं होता, कुछ गोदामों में होता है लेकिन कुछ गोदामों में ऐसे सेल कर देते हैं, तकरीबन वो सेल करते हैं। इसमें से बड़ा बड़ा कापर उतारा हुआ है, बाकी जो साइडों पर लगता है वो लगा रहता है, बाकी जो कापर के होते हैं ना, कापर किसके अंदर एक नाली होती है, फिर बाहर ये जो लगा होता है सिल्वर लगा होता है, ठीक है, जो कापर की होती है ना उसकी तकरीबन ये रेगुलेटर जाता है 800-900 रुपये पर केजी जाता है, यानी छोटे जो पैमाने पे काम करने वाले हैं वो इसको ख़रीद लेते हैं, खरीद के वो ले जाते हैं, फिर इसको यानी कि खोलते हैं, ठीक है, एक कटर के साथ वो इसको ना कटाई करके फिर बीच में से तांबा निकालते हैं और सिल्वर अलहदा कर लेते हैं, ऐसे उनको अच्छा खासा बचत हो जाती है कुछ तो, ठीक है। अब तो तांबा भी थोड़ा डाउन हो गया, अब तांबा बहुत ऊपर गया, 1800 तक गया हुआ था पर केजी, लेकिन अब तो 1600-1670-1680 ऐसे, तांबा तो ऊपर नीचे होता ही रहता है, तांबा ही बोला उसका तो रोज़ का रेट होता है। ये बड़े बड़े बंडल है, इसको खुलाई कर रहे हैं, ये देखो ये सब उन्होंने बेकार करके माल बाहर से आता है, ये बाहर से माल इंपोर्टेड माल होता है, बाहर से यूरोप से हो गया, अमेरिका से हो गया, ये ऐसे उन्होंने बंडल सब चीज़ें हो गए, यानी इसमें फिर एसी भी है, कंप्रेसर है, और भी बहुत सी चीज़ें ऐड में निकली है, इसमें सब चीज़ें उन्होंने प्रेस करके रखी हुई थी, फिर उसके बाद ये इधर आके गोदाम में ले आए, यानी मुख्तलिफ माल आता रहता है। ये गुजरा वाले लोकेशन में ना लाहौर भी माल आते रहते हैं, इनकी मार्केट लाहौर है, फैसलाबाद भी थोड़ा बहुत माल खुलाई होता है, ज़्यादा बड़ी मार्केट कराची की होगी शेरशाह, वहाँ ये माल खुलता है, उसके बाद गुजरा वाला में बहुत गोदाम है, ये हम तो गुजरा वाला से वीडियो बना रहे हैं, वहाँ से ये माल आया हुआ है। ये उसके अंदर से मोटरें निकली है, कंप्रेसर, फिर ये रेगुलेटर हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।